त्याग। जब तुमसे कहता हूं कि त्यागो, तो तुम उसका बिल्कुल गलत अर्थ लगा लेते हो। तुमसे कहा जाता है तो तुम कहते हो कि पत्नी को त्यागना है, पति को त्यागना है, पैसा त्यागना है, घर बार त्यागना है, सब कुछ त्याग देना है, और तुम घबरा जाते हो। मैं तुमसे ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये त्याग दो, पति त्याग दो, पत्नी त्याग दो, पैसा त्याग दो, घर बार त्याग दो, काम धंधे छोड़ दो, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। पर जब त्याग की बात आती है तो तुम अपनी तुलना सीधे करने लग जाते हो बुद्ध महावीर से, कबीर साहब से, मीराबाई से, स्वामी विवेकानंद से, इन सबसे अपनी तुलना करने लग जाते हो। और तुम कहते हो हाँ, उन्होंने भी तो त्यागा था ना, इसलिए हमें भी त्यागना पड़ेगा। और वो त्याग सकते हैं तो हम भी त्याग सकते हैं, शांति के लिए, मुक्ति पाने के लिए उन्होंने त्यागा तो हम भी त्याग देंगे, और हम त्याग देते हैं। पर फिर हम पूछते हैं, अरे हमने त्याग दिया, अब हम करें क्या, हमारे पास तो कुछ नहीं बचा। तो इसीलिए तुमसे कह रहा हूं कि तुम त्याग का गलत अर्थ लगा रहे हो। जब मैं तुमसे कहता हूं त्यागो, तो क्या त्यागने की बात की जा रही है? त्यागने का कहा जा रहा है तो क्या त्यागने का कहा जा रहा है? तुम एक चेतना हो जो तड़प रही है, बेचैन है, जो बंधनों में है, जिसे मुक्ति चाहिए, तो क्या त्यागना है? वो त्यागना है जो तुम्हारा बंधन है। हाँ, फिर अगर वो बंधन तुम्हारा पति है, पत्नी है, भाई है, परिवार है, पैसा है, कोई काम है, जिसके कारण तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो उसे त्याग दो। भाई तुम चेतना हो, तुम तड़प रहे हो, और किसी को तुम्हारे तड़प से, तुम्हारी बेचैनी से, तुम्हारे तनाव से, तुम्हारे दुख से कोई मतलब नहीं। वो तुम पर चढ़े जा रहे हैं, वो सिर्फ तुम्हारा उपयोग कर रहे हैं, उपयोग हो रहा है, और वो तुम्हारे लिए तुम्हारा बंधन हो गया, तुम्हारे कष्ट का कारण हो गया, तो फिर क्या करोगे? फिर तो उसे पकड़ के रखना है नहीं, फिर तो त्यागना ही पड़ेगा, क्योंकि त्यागना उसे ही होता है जो हमारा बंधन होता है, जो हमारी मुक्ति के मार्ग में बाधा होता है। पर जब तुमसे कहा जाता है त्याग, तो तुम अपनी तुलना सीधे बुद्ध, महावीर, कबीर, मीरा से मत करने लग जाया करो, क्योंकि तुम कहते हो हम उनकी तरह त्याग देंगे, त्याग कर देंगे, हम भी कर सकते हैं, हम सब छोड़ देंगे। तुम किसके लिए छोड़ रहे हो? उनके पास करने के लिए एक महान और ऊंचा काम था, क्या तुम उसके खातिर छोड़ रहे हो? तुम कह रहे हो हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भी नहीं की थी, क्योंकि तुमने सुन रखा कि जो ऊंचे लोग होते हैं, जिन्हें जीवन में बहुत बड़ा काम करना होता है, वो शादी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें दिक्कतें आती हैं। रामकृष्ण परमहंस ने तो की थी, फिर ऊंचे काम करने वालों ने भी की थी, पर तुम उनकी बात कर लेते हो जिन्होंने नहीं की थी, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, रमण महर्षि हो गए, आदि शंकराचार्य हो गए, और ऐसे अनेक भगत सिंह जैसे हो गए, तो ये बहुत सारे लोग हो गए। तो इन्होंने नहीं की थी, क्यों नहीं की थी? क्योंकि इनके पास करने को बहुत ऊंचा काम दूसरा था। क्या अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा काम है, अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा ऊंचा काम करने का है, तो तुम्हें बिल्कुल आवश्यकता नहीं करने की, फिर तो उस काम से ही तुम शादी कर लो। तो होश होश में, जवानी में, जोश जोश में ये मत कहते ना कि हमें शादी नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ये जिंदगी बहुत लंबी होती है, कटेगी, काटे नहीं कटेगी, कुछ दिन तो लगेगा कि चलो निकल रही है अच्छे से, फिर आगे क्या करोगे? ऐसा ना हो कि फिर बाद में तुम पछताओ। तो तुमसे ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि तुम्हें शादी करनी ही नहीं है। पहली बात, अगर जीवन में करने लायक कोई बहुत ऊंचा उद्देश्य है तो मत करो, उस उद्देश्य को अपना पूरा समय दो। अगर नहीं है तो फिर कर सकते हो अगर चाहो तो। दूसरा, अब करना भी है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी को भी उठाया, पकड़ा और कर ली, किसी को भी सुंदर देखा स्त्री को, उससे शादी कर ली, पुरुष के पास पैसे देखे और उससे शादी कर ली, यह भी नहीं करना है। फिर नहीं करना है, उसका कारण तो यह है कि तुम्हारे पास जीवन में बहुत ऊंचा कुछ करने को है, इसलिए नहीं कर रहे हो। पर कर रहे हो तो इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी से भी कर ली,
वरना किसी से भी कर लोगे तो और जिंदगी नरक हो जाएगी, और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो त्याग का अर्थ यह भी नहीं है कि शादी करना ही नहीं है या कुछ पाना ही नहीं है। त्याग का अर्थ यह भी है कि गलत व्यक्ति से संबंध नहीं बनाना है, नहीं तो पहले तो खुद की जिंदगी ही बर्बाद थी, ऊपर से एक और बर्बाद व्यक्ति को अपने जीवन में ले आए, अब दोनों लड़ रहे हैं मर रहे हैं, किस काम का ऐसा जीवन। तो पहली तो अगर करने का कुछ ऊंचा है तो करना ही नहीं है, और अगर इतना ऊंचा काम नहीं है और अकेले नहीं रह सकते और कोई व्यक्ति वास्तव में चाहिए, क्योंकि वो तो तुम्हें लाना पड़ेगा, वरना आसपास तुम देखोगे फिर पछताओगे, क्योंकि बीच में तुम उन्हीं के रह रहे हो जो सब वैसे ही हैं, तो मन तो तुम्हारा भी होगा। पर हर किसी को नहीं ले आना, क्योंकि अगर हर किसी को ले आए, किसी एरे गेरे नत्थु गेरे को ले आए, तो वो जिंदगी और तुम्हारी नरक कर देगा। तो उन सब से तुलना मत किया करो कि उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने किया था क्योंकि उनके जिंदगी में करने को बहुत ऊंचा था, और जिनके जिन्होंने विवाह किया था उन्होंने भी बहुत ऊंचे ऊंचे काम किए, पर उनका संबंध जिस व्यक्ति से था वो या तो उस बाधा को पार कर गए अगर वो बाधा बन रहा हो उनके काम में, या फिर उन्होंने उसका साथ दिया, जैसे रामकृष्ण परमहंस हो, जैसे बुद्ध हो। फिर रही पैसों की बात, तुमसे अगर कहा जाता है कि पैसों के पीछे मत भागो, पैसों के पीछे दौड़ दौड़ कर जिंदगी बर्बाद मत करो, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम पैसे कमाओ ही नहीं, खाओगे क्या, फिर जियोगे कैसे, पेट में खाना नहीं रहेगा तो तुम बात भी सुन पाओगे क्या, ये मोबाइल जिसे सुन रहे हो क्या ये कहां से आएगा तुम्हारे पास, इसका डेटा कहां से आएगा, तुम कपड़े पहनते हो वो कहां से आएगा, रोज का भोजन कहां से आएगा, किस घर में रहोगे। तो ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं ये तो तुम्हें कमानी पड़ेगी ना, इसके लिए भीख मांगने तो जाना नहीं है, जा भी सकते हो पर जा नहीं पाओगे ना, और चले गए तो आवश्यक तो है नहीं कि तुम्हें मिल ही जाए, और जितना मिले उतने में तुम रह सको ये भी आवश्यक नहीं है। तो तुमसे जब कहा जाता है त्याग, तो इसका अर्थ ये नहीं है बिल्कुल भी कि काम करना ही नहीं है, पैसे कमाना ही नहीं है, भाई तुम्हें जीना है, जियोगे कैसे फिर, तो घर भी चाहिए, लोग भी जिंदगी में होंगे, इसका अर्थ ये नहीं कि लोगों को त्याग दिया, किसी से बोलना नहीं है, सबसे बोलना है, पर किनसे, जो तुम्हारे बंधन ना बने, जो तुम्हें अशांत ना करे, तुम्हारे जिंदगी को नरक ना बनाए, जो तुम्हारी जिंदगी को ऊंचा उठाए, सही दिशा दे, ऐसा काम करना है। तुमसे कहा जाता है पैसे कमाओ, पर पूरी कोशिश करो कि सही काम से कमाओ। अब तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ी और तुम मुर्गे काटने लग गए, बकरे काटने लग गए, तुम हत्या कर करके कमा रहे हो, चोरी कर करके कमा रहे हो, ये क्या कमाना हुआ। जिस काम को करके ही तुम बेचैन हो जाते हो, मन अशांत हो जाता है, मन हिंसक हो जाता है, ऐसे काम को करके अगर पैसे कमा रहे हो तो किस काम का हो पैसा। तो तुमसे ये कहा जा रहा है कि पहला ऐसा काम करके पैसा मत कमाओ जिससे तुम्हारी जिंदगी अशांत हो, नर्क हो, तुम हिंसक हो जाओ। पैसा कमाओ लेकिन सही काम करके कमाओ, जितना अधिक हो सकता उतना अधिक कमाओ, पर उसका सदुपयोग करो, उसको व्यर्थ मत गवाओ। बस एक मूल बात याद रखो कि तुम चेतना हो जो अपूर्ण है, प्यासी है, अधूरी है, इसीलिए वो उस पूर्णता की प्राप्ति के लिए कभी किसी व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है ताकि सेक्स करके कुछ मिल जाए, कभी पैसों की ओर आकर्षित होती है ताकि उसे पाकर अनेक तरह की वस्तुएं इकट्ठी कर लें, उनको पालें, शायद उससे शांति मिल जाए, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पाती है ताकि मान सम्मान मिल जाए, शायद उससे हमें संतुष्टि मिल जाए, लेकिन उससे मिलती हमें है नहीं। तो हमें क्या चाहिए, हमें इस अशांति से, इस बेचैनी से मुक्ति चाहिए। तो इस मुक्ति के मार्ग में जो कुछ तुम्हारी बाधा बनता हो उसे त्यागना होता है। तुमने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जिनमें कांटे लगे हुए हैं और तुम्हें हो रही पीड़ा, दर्द, वो चुभ रहे हैं बार बार, तो तुम्हें उस दर्द से अगर मुक्ति चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कपड़े उतारने पड़ेंगे, फेंकने पड़ेंगे, या तो कांटे निकाल दो, नहीं निकल रहे तो कपड़े फेंकने पड़ेंगे। तुमसे ये नहीं कहा जा रहा है कि कपड़े उतार ही दो, पर तुमसे कहा जा रहा है कि कपड़े उतारे बिना अगर उन कांटों से, उन कष्टों से, उस पीड़ा से मुक्ति नहीं मिल पा रही है तो त्याग दो उन कांटों को, क्योंकि
मूल क्या है, मेन बात क्या है, जो आवश्यक है वो क्या है, मुक्ति पाना। और मुक्ति अगर कपड़े त्यागने से ही मिल रही है तो त्याग देंगे, ये आपसे कहा जाता है त्याग के लिए। पर जब आपसे कहा जाता है कि पैसों के पीछे मत दौड़ो, लड़की या लड़के के पीछे मत दौड़ो, किसी काम के पीछे दिन रात अपना जीवन बर्बाद मत करो, दिन रात खाने घुसेड़ने में ही समय बर्बाद मत करो, तब तुम ये समझते हो कि जैसे हमसे सब कुछ छोड़ने को कहा जा रहा है। नहीं, तुमसे कुछ भी छोड़ने को नहीं कहा जा रहा है, बस तुमसे ये कहा जा रहा है कि कुछ भी ऐसा हो जो तुम्हें अशांत करे, जो तुम्हारे जीवन में ऊंचाई ना लाए, तुम्हें बल्कि और नरक में गिराए, जो तुम्हारे मन को गंदा करे, जिसके कारण जीवन में प्रेम नहीं है, जिसके कारण हमेशा अशांति बनी रहती है, लड़ाई झगड़े कलह क्लेश होता है उसके कारण, जिसने तुम्हारी जिंदगी को बिल्कुल नरक कर दिया है, उसे त्यागो, उसे छोड़ो। क्योंकि यहां पकड़ने को कुछ है नहीं, कितना ही पकड़ लो, कितना ही इकट्ठा कर लो, कितना ही जोड़ लो, कितने ही संबंध बना लो, कुछ भी कर लो, सब यहीं छूट जाना है, कुछ नहीं बचना। तो जीवन का उद्देश्य कुछ एकत्रित करना नहीं होना चाहिए, कुछ इकट्ठा करना नहीं होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य है जीवन मुक्त होना, जीते जी मुक्त हो जाना, जीते जी ही ऐसा जीवन जीना कि जीवन मुक्त हो जाए, जीवन में हमारे अंदर साहस हो, दृढ़ता हो, सच्चाई की एक ताकत हमारे अंदर हो, खुल के हम जी सकें, खुल के बात कर सकें, जो कहना है हमारी बात सही है तो उसे पूरी ताकत के साथ, स्पष्टता के साथ हम रख सकें, कुछ नाचने कुछ गाने का मन हुआ तो किसी से पूछना ना पड़े, कुछ खाने पीने का मन हुआ तो ये ना सोचना पड़े कि लोग क्या कहेंगे, पर हम खाते हैं, सोते हैं, बात करते हैं, घर से निकलते हैं, हर जगह हमारे ऊपर बंधन ही बंधन होते हैं, ये क्या कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, 50 बात किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति को सुनानी पड़ती है, समझानी पड़ती है, उसकी अनुमति के बिना तुम कुछ कर ही नहीं सकते, क्या खाक है तुम्हारा जीवन। ऐसे बंधनों को त्यागने का तुमसे कहा जा रहा है। जहां तुम पीड़ा में हो उस पीड़ा के कारण को त्याग दो, फिर चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, विचार हो, कोई काम हो, कोई संबंध हो, कुछ भी हो, ये आपसे कहा जा रहा है। तो त्याग का अर्थ बिल्कुल ये मत समझना कि हमसे सब कुछ छोड़ने को कहा जा रहा है, तुमसे सिर्फ वो छोड़ने को कहा जा रहा है जो तुम्हारे दुख का कारण है, जो तुम्हारे मुक्ति में बाधक है। और ये कोई ट्रेंड नहीं है, कोई प्रथा नहीं है कि शादी करनी ही नहीं है। अगर जीवन में अच्छा साथी मिल जाता है जो तुम्हें बौद्धिक स्तर पर तुम्हें ऊपर उठाता है, तुम्हारे जीवन को ऊंचाई देता है, एक सही दिशा दे सकता है, अगर ऐसा कोई मिलता है जो तुम्हें आध्यात्मिक रूप से ऊपर ले जाए, जो तुम्हारी अशांति को शांत कर दे, तुम्हारी बेचैनी को चैन दे दे, जो तुम्हें कृष्ण, कबीर, बुद्ध और महावीर इनके करीब लाए, अगर ऐसा कोई मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, फिर तो कर लो, ऐसा व्यक्ति तो ढूंढने से नहीं मिलता है। तो जब किसी व्यक्ति के साथ रहें तो ना तो वो हमारा बंधन बने, ना हम उसका बंधन बने, ना वो हमारे लिए समस्या बने, ना हम उसके लिए समस्या बने। अगर ऐसा कोई मिलता है तो उसमें कौन कहता है तुमसे कि शादी मत करो, तुमसे मना किया जाता है कि गलत मत करो, गलत शादी मत करो, गलत संबंध मत बनाओ, गलत कामों में मत घुसो, गलत विचारों को मत आने दो, उनसे बचो, वो जो अच्छा है, साफ है, स्वच्छ है, ऊंचा है, निर्मल है, उसे आने दो। आज अगर कुछ भी काम करना है तो आप पैसों के बिना कर नहीं सकते, आपको उसके लिए पैसा चाहिएगा। आप किसी से बात नहीं कर सकते दूर हो तो, आप यहां से वहां जाना हो तो यातायात की सुविधा चाहिए, तो हर तरफ पैसे तो चाहिएंगे, तो वो तो आपको चाहिए, वो आपको कमाना पड़ेगा। तो त्याग का अर्थ बिल्कुल नहीं कि आप सब त्याग दो, कांटों को त्यागना है, जो बंधन है उनको त्यागना है, क्योंकि पहला उद्देश्य मुक्ति। जहां तुम बंधनों में बंधते जाओ वो पाने लायक नहीं है, वो जुड़ने लायक नहीं है। और अगर पैसा तुम्हारी मुक्ति में सहायक बन रहा है तो पैसा कमाओ, खूब कमाओ। किसी व्यक्ति से शादी करके अगर तुम्हें मुक्ति मिल रही है तो शादी करो,
कोई काम करके अगर जीवन में आनंद प्रसन्नता आ रही है, सही काम है, ऊंचा काम है, निष्काम कर्म है, तो जरूर करो। कर्म का कहां कृष्ण मना कर रहे हैं? कृष्ण तो यही कह रहे हैं, कर्म कर अर्जुन, लेकिन निष्काम कर्म कर। क्योंकि सकाम कर्म अगर करेगा तो तेरी कामनाएं होंगी और कामना होती है बंधन। तो जैसे जैसे सकाम कर्म करेगा तेरे बंधन और बढ़ते जाएंगे। कामनाएं होंगी, फिर कामनाओं की कामनाएं होंगी, और फिर कामनाओं की कामनाएं होंगी, और बंधन बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। और निष्काम कर्म होगा तो वहां कामना नहीं होगी, तो निष्काम कर्म करेगा और कर्म करके कर्म से मुक्ति मिल जाएगी। तो कर्म करने का तो कृष्ण भी कह रहे हैं कि करो, निठल्ले बैठने का तो वो भी नहीं कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं निष्काम कर्म कर। तो एक बात याद रखें, यहां कुछ भी छोड़ने या पकड़ने को नहीं कहा जा रहा है। जो तुम्हारी मुक्ति में सहायक हो सिर्फ उसे अपनाओ, उसे स्वीकार करो, उसे जिंदगी में स्थान दो, और जो तुम्हारी मुक्ति में बाधक बने उसे त्यागो। धन, काम, सेक्स, आदमी, औरत, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई विचार, कोई पुस्तक, कोई ग्रंथ, ये अगर तुम्हारी मुक्ति में सहायक बनते हैं तो इन्हें अपने जिंदगी में स्थान दो, और अगर ये बंधन बनते हैं तो इन्हें त्याग दो। बस इतना है।